हेलो आय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं दिशा सभी का स्वागत करती हूँ बीसीएन न्यूज़ प्रेजेंट्स वुमेंस डे स्पेशल वाली सीरीज में। और अब तक हम कई महिलाओं से ऐसे बात कर चुके हैं जिनकी कहानियाँ तब से हमें इंस्पायर कर रही है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इनकी कहानियाँ हैं। कहीं ना कहीं जब भी हम लोग वुमेंस के बारे में बात करते हैं तो ढेर सारी चीज़ें सामने आती है। कहते हैं ना कि नारी नारायणी होती है और उसमें पूरा ब्रह्मांड समाने की शक्ति होती है। अब वुमेन इट्सेल्फ इज यूनिवर्स कहीं ना कहीं, तो ऐसी ही कुछ महिलाओं का उनके जितने भी उनके काम है उन्हें एक्नॉलेज करने का काम कर रहा है बीसीएन उनकी इस वुमेंस डे स्पेशल सीरीज में। और इसी श्रृंखला में हमारे साथ है क्रिम्स हॉस्पिटल की डायरेक्टर केट केयरबर्ट जी। बहुत बहुत स्वागत है, इट इज अ प्लेजर टू हैव यू विद अस टुडे मैम। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर केट की मैम की बात कहूँ तो एक बहुत ही प्यारी सी एक्सपीरियंस जो तजुर्बा अच्छा खासा रखती है, ऐसी एक बिंदास वुमनिया हमारे साथ है केत की जी। और जब मैं कहती हूँ ना कि तजुर्बा, तो ये तजुर्बा बहुत सारी चीज़ों से आता है, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं हमारे लाइफ में, सिचुएशंस ऐसे आती, तो अच्छा खासा तजुर्बा हमें मिल जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को इसी आपके तजुर्बे के बारे में, आपके एक्सपीरियंस की स्टोरी बताएं। चलो, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। एक्सपीरियंस अब एज अ फीमेल ऐसा बोलोगे तो मैं शायद नहीं अच्छे से बता पाऊँगी, लेकिन मैं जनरली बता सकती हूँ कि काम तो मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया। जब मैं कॉलेज में थी तभी से ट्यूशन्स लेना स्टार्ट किया, इसलिए नहीं क्योंकि घर पे पैसे की कमी थी या मेरा कोई राइट्स टू रिचेस का स्टोरी भी नहीं है, बट एक हमेशा था कि नहीं पैसे मांगने से बेटर है कि हम लोग कमा ले या कुछ उसे सीखे। तो वहाँ से शुरुआत हुई, दो तीन जगह अलग अलग जॉब किए। डॉक्टर मेरे घर पे सभी लोग हैं तो मुझे डॉक्टर तो बनना था नहीं पहले से। सो मैंने हॉस्पिटल या उस मेडिकल फील्ड में तो कुछ नहीं किया, बट टाइम ऐसा आया कि मुझे हमारे जो हॉस्पिटल एक्रिम्स हॉस्पिटल, मैं वहाँ पे ज्वाइन हुई एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, सो वो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। अच्छा। या वहाँ से या वो चीज़ ने मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए एनेबल किया। ओके, तो क्रिम्स हॉस्पिटल की जर्नी आज से ऑलमोस्ट 15 साल पहले स्टार्ट हुई। ओके, तो एक नई जगह थी, नया कितना भी हो जाए आप घर पे डॉक्टर्स जो भी हो, लेकिन जो आप काम करते करते सीखते हो उससे हाँ, बड़ी कोई सीख नहीं होती है। वो जो चीज़ें हम लोग एक्चुअली देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं। तो शुरुआत में हाँ थोड़ी कठिनाई ऐसी लगी, लोगों के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था एक्सेप्ट करना कि इतने यंग एज में कोई अपनी बॉस बन गई है, एंड थोड़ा सा फीमेल्स को एज अ बॉस एक्सेप्ट करने में। तब आज तो बहुत चीज़ें बदल चुकी है, लेकिन तब थोड़ा सा वक्त लगा लोगों को। बट एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है उसमें कि जब आप खुद एक फीमेल करके अपने आप को नहीं ट्रीट करते या अपने आप को हमेशा उस पोजीशन में नहीं रखते कि अरे मैं फीमेल हूँ तो मैं किसी कारण से वीक हूँ या किसी कारण से मुझे बाकी लोगों से कम है, अगर ये आप नहीं कैरी करते तो लोगों का आपके तरफ देखने का नज़रिया बदल जाता है। अगर आप उनसे बात करते हो हर बार ये फीलिंग दोगे कि मैं फ़ीमेल हूँ, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, या मैं फ़ीमेल हूँ तो आप मुझसे ऐसे ही बात कीजिए, आप जब वो क्रॉस कर जाते हैं बैरियर तब जाके आपको लोग, आप फीमेल हो या मेल हो, एज अ बॉस एक्सेप्ट कर पाते हैं। और वैसे भी किसी चीज़ को मतलब सक्सेस पाने के लिए बैरियर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रॉस करना पड़ता है और ज़रूरी होता है कि जो लोगों की सोच है उससे हम हटके करें। सी, मुझे लगता है कि सबसे पहली बात है कि लोगों की सोच से लड़ना ज़रूरी नहीं है, लोगों की सोच को अपनी जगह रख के उसे एक्सेप्ट करके आप अपना जब काम करते हो, आप लड़ोगे वो उतना ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे। ओके, लड़ाई हम कब करते हैं, जब हम आगे वाला आपकी नहीं सुनना चाहते और आप उसकी नहीं सुनना चाहते आप हो जब रहते हो। तो उसमें कोई मतलब नहीं है। आई थिंक अपने एक्सेप्ट करना चाहिए कि सोसाइटी धीरे धीरे बदल रही है, एकदम से नहीं बदलेगी, बट अगर आप वो एक्सेप्ट करते हो तो लोग भी धीरे धीरे वो चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं क्रिम्स की जर्नी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रही। और मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आपके एनजीओस भी है, इसके साथ भी आप काम करते हैं, हाँ उनके बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों को। बहुत पहले से ये था कि हम रास्ते से जाते थे, लोग सिग्नल तोड़ रहे हैं, कोई कचरा फेंक रहा है, कोई थूक रहा है, हम हमेशा बोलते थे कि फॉरेन में तो लोग ऐसा नहीं करते, इंडिया में करते हैं। तो वो सब देखते देखते ध्यान में आया कि सिर्फ फ्रस्ट्रेट होकर काम नहीं चलेगा, कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा आबादी वाला देश है,
हम अगर ये बोलेंगे कि सब कुछ पॉलिटिशियंस नहीं करना चाहिए, सब कुछ हमारे लीडर्स नहीं करना चाहिए, तो गलत बात है। कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है। तो उसी कारण से मेरा पहला जब एनजीओ मैंने स्टार्ट किया आज से 10-15 साल पहले, उसका नाम है प्रवाह, जिसके थ्रू हम लोग सिटी में अवेयरनेस कैंपेन्स करते थे ताकि लोगों को ध्यान में आए कि हमको कुछ चीज़ें बदलना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने डिवाइडर्स टूटे थे, जो भी सिटी के लिए काम था वहाँ पे हम लोग ने रिपेयर मी के ये लगाया था कि NMC और ये अथॉरिटीज़ उसके तरफ ध्यान दें। बट अनफॉर्चुनेटली मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको कि प्रवाह में काम करते करते मुझे ध्यान में आया कि एक चीज़ बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है कि जब आप पढ़े लिखे लोगों को ये सिखाते हो कि आप कचरा मत डालिए, प्लास्टिक का यूज ऐसा मत कीजिए, उसके बावजूद बदलता कुछ नहीं है। लोग 2 मिनट के लिए आपके सामने हैं या साथ है, सिग्नल नहीं तोड़ेंगे, पर आप दिन ब दिन देखते जाइए छोटे छोटे बच्चों को लेके माँ बाप तक सिग्नल तोड़ जाते हैं या झड़प करते हैं जो कल जाके आपको तकलीफ देने वाले हैं। एनवायरमेंट का किसी को ख्याल नहीं है। तो सिटी में काम करना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था विद टाइम। तो हमने बैठ के बहुत सोचा कि सही ज़रूरत कहाँ है। तब हमने डिसाइड किया कि अगर इंडिया में या अपने यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो रूरल इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और वहाँ पे हमने ज़रूर कुछ काम करना चाहिए। आप देखते होंगे कि वक्त के साथ सारे लोग छोटे गांव छोड़ के बड़े शहरों में बस रहे हैं, उसी को हम प्रोग्रेस बोलते हैं। बट एक दिन जब हमारे पास एग्रीकल्चर नहीं रहेगा या वो नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? तो आई थिंक आज वो वक्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम रूरल इंडिया में होना चाहिए। तो हम लोग पवनी में एक प्रोजेक्ट है हमारा, जो मैं मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने स्टार्ट किया था, मैं उनके साथ जुड़ी हूँ, ग्राम विकास संस्था के थ्रू, जहाँ पे हम लोग एक एग्रीकल्चरल बेस स्कूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ अराउंड 70-75 महिलाएँ हैं जिनको हम लोग ने काम दिया है, जिसके थ्रू आज 5-6 हज़ार रुपये महीना घर ले जा पा रहे हैं। क्योंकि आप अगर देखोगे, भले हम शहर में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप देखोगे तो आज भी औरतों को अगर उनका हस्बैंड की डेथ हो गई या छोड़ दिया गया, ना तो मायके वाले ना ससुराल वाले कोई रखने को देखता नहीं है, अपनाता भी नहीं है, अपनाता नहीं है। आज हमको यहाँ बैठे बैठे वो चीज़ें बड़ी ये लगती है, लेकिन आप अमीर से अमीर डेवलप से डेवलप घर ले लीजिए, बेटे और बेटी में जो फ़र्क किया जाता है वो कहीं ना कहीं हर एक जन उसका ये होता है। कोई पब्लिकली नहीं बोलता है, पब्लिकली सब बोलते हैं कि समानता है, समानता है, बट वो समानता क्या हमारे दिमाग में, हमारे दिल में सही में है? ये हम सिर्फ जब आगे बढ़ेंगे, उस पोजीशन में कुछ करेंगे, तब जाके लोगों को उसका ध्यान में आएगा कि क्या ये समानता है भी या नहीं, और हमने इससे लड़ना कैसे। एंड फेमिनिज्म मेरे हिसाब से, मुझे लगता है कि सही तरीका नहीं है, क्योंकि फेमिनिज्म ये बोलता है कि नहीं, आप फीमेल्स को ये राइट दो, बराबर चलने का ये दो। आप सबसे पहले तो उनको फीमेल है इसलिए बाइफर एक अलग से सेग्रीगेट करना ही छोड़ दो, उन्हें भी उतना ही मौके दो। आप उनको रिजर्वेशन देते हो, उससे अच्छा है कि आप इस पे काम करो कि उनके लिए और मौके बने। आप उनको कमजोर कर रहे हो ये बोल बोल के कि आप फीमेल हो, आपका राइट है, मेरा राइट एज ए ह्यूमन बींग है। तो आई थिंक जब हम औरतों को औरतों छोड़ के एक इंडिविजुअल करके देखते हैं, तो आप जहाँ काम कर रहे हैं, आपका घर हो गया, हर जगह, उसके लिए अलग से रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। हम भी उतने ह्यूमन बीइंग हैं जितने सब लोग हैं। आपको रिस्पेक्ट अंदर से हर इंसान के लिए होनी चाहिए, तब आप वो रिस्पेक्ट फीमेल्स को भी दे पाओगे। मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं दिस इज व्हाट एक्चुअली वुमेन वांट, मतलब उन्हें कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, हां, दे डोंट वांट टू बी रिमाइंडेड एवरी डे कि तुम औरत हो, हां, तुम फीमेल हो, तुम नहीं कर सकती, नहीं, तुम मतलब कर सकती हो या तुमने करना चाहिए तुम। अरे अगर किसी फीमेल को घर पे बैठना है तो वो बैठे, उसकी मर्जी, हर चॉइस, आफ्टर ऑल हर चॉइस। मतलब कहीं ना कहीं आखिर किसी और एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एनजीओस आपके जो है वो सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं, जो रूरल इंडिया में है वो सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं या दूसरी चीज़ें भी है उसमें, इस बारे में? हाँ, मैं आपको वही क्लियर करना चाहती हूँ कि अभी मैंने जो बोला उस हिसाब से मैंने सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना इज़ नॉट द राइट थिंग। बेसिकली आप देखोगे बहुत सारे पॉलिटिशियन छोटे गांव से हैं, हाँ, पर उस हिसाब से वहाँ का डेवलपमेंट नहीं होता। हुँ. आज हम जो काम कर रहे हैं वो स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्कूल, जहाँ लड़के लड़कियाँ सब बच्चे पढ़ेंगे, जिनको पहले से एग्रीकल्चरल बेस्ड पढ़ाई
सिखाई जाएगी, उनको सिखाया जाएगा कि क्यों होना चाहिए, उसके साथ साथ उनके जो स्किल्स डेवलप करने हैं वो लोग वो भी करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ स्कूल बना के नहीं चलेगा, आप स्कूल से बच्चे बाहर आएंगे तो काम कहाँ करेंगे, फिर उनको शहर आना पड़ेगा। तो हमको एग्रीकल्चर, हमको सबको पता है कि फार्मिंग के भरोसे पे आप पूरा साल कमाई करके अच्छे से ग्रो नहीं हो सकते। तो अब वो टाइम है कि ज़्यादा से ज़्यादा उससे रिलेटेड काम गाँव में होना चाहिए, सो डैट मेल फीमेल सभी लोग एक अच्छा घर चलाना, जो जिसे बोलते हैं, जो आज मैं और आप डिजर्व करते हैं यहाँ रह के, जैसी स्कूल डिजर्व करते हैं। हमें बहुत लोगों ने बोला कि आप स्कूल ही बनानी है, छत डाल दो बच्चों को, एटलीस्ट ये तो हो जाएगा। बोले क्यों, वो क्यों नहीं डिजर्व करते, जबकि पौनी जैसे छोटे गांव के उस स्कूल के दो बच्चों के पास आज एक पेटेंट है, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। तो ये किसने कह दिया कि वहाँ के बच्चों को हमारे यहाँ के बच्चों से कम समझता है या कम दिमाग है? तो मुझे लगता है कि वो लड़का और लड़की का नहीं है, इट्स नॉट अबाउट वीमेन एम्पावरमेंट प्योरली, इट्स अबाउट एम्पावरिंग एवरीवन, सो दैट हम एक ऐसी सोसाइटी बना सकें जो उस इक्वालिटी के लिए हमको विमेंस डे मनाने की जरूरत ना पड़े। सबका साथ सबका विकास वही चीज है कि मतलब अगर हर कोई एम्पावर हो जाए और हम लोग कहीं ना कहीं वो जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो कम हो जाए तो वो आपको आपके वर्क प्लेसेस पे भी करना पड़ेगा। आज हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, हम जिन जिन डिफरेंसेस से लड़ रहे हैं वो डिफरेंसेस आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो कंट्रीब्यूट करने चाहिए। अगर आपको लगता है कि फीमेल्स ये काम कर नहीं सकती या वो कर सकती है, मेल्स ये काम है, तो ये एक्सेप्ट कीजिए। आप फिजिकली अगर वीक हो, फिजियोलॉजिकली यानी भगवान ने आपको जैसा बनाया है उसमें अगर एक फीमेल फिजिकली वीक है आदमी से, तो ये चीज़ एक्सेप्ट करना ज़्यादा ज़रूरी, इसलिए आदमियों ने उनके ऊपर प्रेशराइज करना चाहिए ये गलत है। बट अगर कोई चीज़ में हम पीछे तो गलत क्या है, हम 10 और चीज़ें हैं जिसमें बेटर अच्छी कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कंपैरिजन, यानी इस वुमेंस डे मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो कंपैरिजन अब बंद होने का टाइम आ गया है। आज जब एक फीमेल को, फीमेल ने खुद ने भी हर बार ये नहीं हो सकता कि आप उसका एडवांटेज भी लो, एट द सेम टाइम ये भी बोलो, ये भी बोलो कि मुझे कैसे इक्वल राइट्स चाहिए। तो आप सबको, हम सबको ये भूल के आगे बढ़ना चाहिए कि हमारा जेंडर क्या है, हमने एक दूसरे की एबिलिटी, एक दूसरे का रिस्पेक्ट रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो शायद एक दिन हमको आज अलग से जो विमेंस डे मनाना पड़ रहा है उसकी ज़रूरत नहीं पड़े। अकेके जी, कहीं ना कहीं 16 साल की उम्र से आपने काम करना शुरू किया है, बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, ऐसा कोई पॉइंट आया जब लगा कि यार नहीं हो रहा है या फिर थोड़ा टफ हो रहा है, ऐसा कोई पॉइंट? नहीं, एक्चुअली टफ तो सब कुछ रहता है जब आप स्टार्ट करते हो, जब आप उसके तरफ उस एंगल से देखते हो, सिचुएशंस ऐसी आती है जो आपके लिए वो सब चीज़ें डिफिकल्ट करती है। ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको इस दुनिया में कि जिसको अपने लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन या कोई ना कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी, सबको करनी पड़ती है। तो मुझे नहीं पता मेरी डिफिकल्टी छोटी थी बड़ी थी, मैं कुछ मामलों में प्रिविलेज थी कि घर से कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। बट वर्क करते वक्त हाँ, आई कैन से कि स्टार्टिंग में बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ फीमेल टीचर, बीइंग अ फीमेल इन कलीग इन ऑफिस, देन बिकमिंग अ फीमेल बॉस, ये सारी चीज़ों में हाँ लोगों ने कहीं ना कहीं कमज़ोर समझ के या जो रहता है ना सैक्रिफाइस, आपसे डिमांड ज़्यादा किया है बिकॉज यू आर अ फीमेल एंड बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड। तो मैं कहूँगी कि वो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे, उस वक्त काफ़ी बड़े लगते हैं, लेकिन जब वो आप उनको फेस करते हो तो ध्यान में आता है कि ये तो चीज़, ये डे टू डे चीज़ें हैं, आज आप वो नहीं तो कुछ और सही, कोई ना कोई तकलीफ चलते रहेगी। सो हाँ, डिफ़िकल्ट टाइम्स तो काफ़ी थे, बट अब मैं नहीं चाहती कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में हर एक को, हर इंसान को वो ये सारे बैरियर्स क्रॉस करके जाना इज द ओनली सॉल्यूशन। आपसे आपके इंस्पिरेशन के बारे में भी जानना चाहूँगी कीर्ति जी, मतलब कौन ऐसा इंसान है जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है, मतलब उनके बारे में सुनने या उनके बारे में पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ ऐसा करना है, या फिर अलग अलग चीज़ों में अलग अलग लोग इंस्पायर करते हैं। मुझे थैंकफुली किताबें बहुत पढ़ी हूँ मैंने, या उन सब चीज़ों में जैसे मैं महाभारत और गीता, अच्छा ये दो चीज़ें पहले तो नहीं समझती थी, पहले
ये क्या है, ये रिलीजियस है या नहीं है, ये नहीं समझ में आता था। लेकिन आप अगर बोलोगे तो मेरा बेसिकली महाभारत या जब मैंने भगवद गीता पूरी पढ़ी तो मैं कहूँगी कि वो चीज़ से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली या समझने मिली या वो सवाल उठे जिनका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कोई पर्सनैलिटी तो नहीं है। कभी अपने मदर की तरफ देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ें इन्होंने अचीव कैसे की, इनमें कितनी इंटरनल कितनी ताकत थी। कभी हमारे घर की बाई तक आपको इंस्पायर करके जाती है कि वो आज चार चार घरों में काम करती है, घर पे इतना ख़राब हालत रहती है लेकिन आपका खाना अच्छा बना के जाती है। तो अगर इंस्पिरेशन की बात करो तो नेचर ने इतनी सारी चीज़ें दी हैं हमको। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जो मैंने पढ़ा उसमें भगवद गीता ने बेसिकली श्री कृष्ण ने जो भी बताया उसमें, मैं पूजा पाठ वाली इंसान नहीं हूँ लेकिन मैं इतना पक्का कह सकती हूँ कि ज़िंदगी सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। कुछ सीखना है तो ज़िंदगी को पास से ऑब्जर्व करो, लोगों को कैटेगराइज मत करो, उससे अच्छा समझो कि ये इंसान ऐसा क्यों है, आपको अपने आप बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मतलब चीज़ों को समझोगे तो उनको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी, कैटेगराइज करने से अच्छा चीज़ों को समझो। हाँ, मुझे ये पसंद नहीं है बोलने से, ये बेटर है जानना कि ये मुझसे अलग है। लाइक तुम्हारा और मेरा कोई चीज़ पे अगर नहीं व्यू ये होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो और मैं सही हूँ, हम दोनों अलग हैं। अगर हमने ये अंडरस्टैंडिंग के साथ भी काम किया तो लोग बहुत कुछ सिखा जाते हैं। ओके, ये चीज़ एक और थोड़ा सा सवाल आपसे ऑफ द बीट शायद, बट जानना चाहूँगी कि आप इतने सारे एक साथ मतलब इतने सारी चीज़ें करती है, आपकी फ्री टाइम में आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी लगती है वो क्या है? ओके, फ्री टाइम मैं बताऊँ तुमको कि जब हम इतनी सारी चीज़ें करते हैं या जो भी है, ये सब कुछ ही फ्री टाइम में होता है क्योंकि काम आप कर रहे हो। अगर मैंने किसी भी चीज़ को वक्त में बांध दिया तो फिर वो वक्त के बाद फ्री टाइम निकलता है। बट अगर आप मुझे पूछोगे कि मैं क्या परस्यू करना चाहती हूँ या बाकी चीज़ें, तो मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, अच्छा काफ़ी कुछ पढ़ती हूँ। ओके, और ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि अगेन ट्रैवलिंग से बहुत कुछ सीखने मिलता है, लोगों से मिलने मिलता है, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें। हाँ, यानी इतना लिमिटेड व्यू नहीं रहता, आपका व्यू थोड़ा बेटर हो जाता है। बट हाँ, पढ़ना और लिखना वुड बी दोज टू थिंग्स, एंड सबसे बड़ी पार्ट इज म्यूजिक। म्यूजिक तो मेरे दिन का पूरा हिस्सा होता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि वुमेंस डे का ये मौका है और कहीं ना कहीं बीसीए न्यूज़ एक स्पेशल श्रृंखला चला रहा है, आप जितनी भी तमाम दर्शक हैं, जितनी भी तमाम महिलाएं हैं, उन्हें बीसीएम के माध्यम से क्या कहना चाहती है? आज वुमेंस डे है। बहुत कुछ सालों पहले हम लोग ने हमारे इंस्टीट्यूट में वुमेंस डे मनाना बंद कर दिया था और उसको हमने नाम रखा है एप्रिसिएशन डे। ओके, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि दो तीन चीज़ें हैं। बी कमिंग फ्रॉम अ हेल्थ सेक्टर, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि औरतें अपने आप अपना खुद का हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, प्रायोरिटी कभी नहीं देते। अगर दर्द है तो उसको सहन करते हैं, जब बिल्कुल काबू के बाहर होता है तब जाके अपने डॉक्टर को देखते हैं। बट आप इतने सारी चीज़ों को, क्योंकि विमेन मल्टीटास्किंग करती है, आपको बहुत सारी चीज़ें संभालनी है, आप बहुत सारे लोगों को संभालना है, तो अपना हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखें। मैं चाहूँगी कि आप टाइम से टाइम अपना एक हेल्थ चेकअप करते रहें। बहुत सारी चीज़ें हमको लेट समझती है, फिर ट्रीटमेंट में दिक्कत जाती है। हेल्दी रहिए, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली इमोशनली अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश कीजिए। अगर थोड़ा लड़ना पड़ रहा है तो लड़ लीजिए, क्योंकि वो लड़ाई एक बार लड़नी पड़ती है। बार बार ये सोच के मत रुक जाइए कि मैं क्या होगा, मैं कुछ कर पाऊँगी क्या या रिजल्ट कुछ मिलेगा क्या। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप भूल जाइए कि आप फीमेल हो, आप एक ह्यूमन बीइंग हो जिसको हर चीज़ का हक है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको भाग जाना है या लोगों से वैसे लड़ना है, आप सोच बदल सकते हो। उसके लिए पहले अपनी सोच बदलिए और अपना ख्याल रखिए। खुद की सोच बदलिए तो चीज़ें भी बदलेगी कहीं ना कहीं, खुद का जो व्यू है, नज़ारा है, वो बदलिए तो आगे का जो बाकी का नज़ारा है वो भी बदलेगा। ये थी केतकी अरविंद जी, बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी एक बिंदास मनिया हमारे साथ हमारे इस वुमेंस डे की स्पेशल सीरीज़ में। बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू आपका, इट वॉज एक्चुअली ग्रेट हैविंग यू हियर एंड वी एक्चुअली हैड अ ग्रेट सेशन आई कैन से। थैंक यू सो मच केतकी जी, और
तमाम दर्शकों के लिए हमारे इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों के लिए जुड़े रहिए बीसीएन न्यूज़ से। नमस्कार।